किसी भी इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है तो उसका एक ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का यूज़ करना एक कंपनी यूजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी लाइक कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंशिएशन जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड टैक्टिस टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज विद इन एन इंडस्ट्री बाई बैटलिंग अगेंस्ट अदर फर्म्स यानी कि एक इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म सेम टाइप के नेचर के प्रोडक्ट बनाती हैं तो एक कंपनी एक इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं आपस में कॉम्पीट करती हैं कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है उनके पास उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है दैट इज कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि जो एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज है या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज हैं वो आपस में मिलजुलकर जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाती हैं तो ए कंपनी कैन ऑल्सो यूज कॉपरेटिव स्ट्रेटजीज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन एन इंडस्ट्री बाय वर्किंग विद अदर फर्म्स तो दूसरे फर्म्स के साथ मिलकर जब आप काम करते हो और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं कॉपरेटिव स्ट्रेटजी एक दूसरे के अगेंस्ट बैटल करके जब आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पाते हो तो वहाँ पर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी आता है एक दूसरे के साथ मिलकर जब आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पाते हो तो दैट इज कॉपरेटिव स्ट्रेटजी कॉपरेटिव यानी कॉपरेट करना है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है आप काम करते हो और इकोनॉम में गेन पाते हो मार्केट में क्लियर तो जो कॉपरेटिव स्ट्रेटजी है इसको नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है पहला है कोल्यूजन और दूसरा है स्ट्रेटजिक अलायंस तो दोनों को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले कोल्यूजन तो कोल्यूजन में क्या होता है द एक्टिव कॉपरेशन ऑफ़ फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री टू इन्फ्लुएंस अ मार्केट और प्राइसिंग फॉर देयर ऑन एडवांटेज तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक फर्म क्या करती हैं आपस में कॉपरेट करती हैं और मार्केट को या फिर प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर एडवांटेज पाती हैं एक दूसरे के लिए यानी कि सभी कंपनी को जो है एडवांटेज होता है इस तरीके से मिलकर वो काम करती हैं और मार्केट को या फिर प्राइस को इन्फ्लुएंस करती हैं इसमें जो है या तो प्राइस फिक्सिंग को लेकर जो है इन्फ्लुएंस डालेंगे यानी प्राइस फिक्सिंग को लेकर कुछ ना कुछ एक साथ मिलकर काम करेंगे सिंक्रोनाइज एडवर्टाइजिंग करेंगे या फिर कोई ना कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो है आपस में शेयर करते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो आपस में कॉम्पीट ना करके कॉपरेट करते हैं मिलकर मिलकर जो है मार्केट को या फिर प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इस टाइप के टैक्टिक को क्या कहते हैं स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं कोल्यूजन कहते हैं तो कोल्यूजन में भी एक्सप्लिसिट या फिर टैक्टिक तो कोल्यूजन में भी एक्सप्लिसिट इन विच केस फर्म्स कॉपरेट थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन एक्सप्लिसिट मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक फर्म है वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं और निगोशिएट करती हैं मार्केट को लेकर या फिर प्राइस को लेकर वहीं पर जो दूसरा है दैट इज टैक्ट इन विच केस फर्म्स कॉपरेट इन डायरेक्टली थ्रू एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ सिग्नल्स तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स हैं वो डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट या फिर निगोशिएट नहीं करती है बल्कि क्या करती है इनडायरेक्टली डिफरेंट सिग्नल्स के जरिए जो है आपस में करती हैं कम्युनिकेट करती हैं तो इनडायरेक्टली टैकेट में क्या होता है कि इनडायरेक्टली और एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट uh, करती है निगोशिएट करती हैं तो अब टैसिट की एग्जाम्पल की बात करें तो वैन जनरल इलेक्ट्रिक वॉन्टेड टू ईस प्राइस कॉम्पिटिशन यानी कि प्राइस कॉम्पिटिशन को आसान करना चाहती थी जनरल इलेक्ट्रिक तो उसने क्या किया टर्बाइन इंडस्ट्री में तो उसने क्या किया कि वाइडली एडवर्टाइज किया अपने प्राइसेस को और पब्लिकली कमिट किया कि किस इस प्राइस से नीचे कोई भी सेल ना करें जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आ, मिल्क है तो अमूल है पराग है तो ये क्या करते हैं एक प्राइस बढ़ाता है तो बाकी ब्रांड भी जो है प्राइस बढ़ा देते हैं अमूल ने तीन रुपये बढ़ाया तो पराग ने भी तीन रुपये बढ़ा दिया मदर डे ने भी तीन रुपये बढ़ा दिया तो ये एक तरीके का क्या हो गया कोल्यूजन हो गया क्लियर वहीं पे दूसरा मेथड है दैट इज स्ट्रेटजिक अलायंस स्ट्रेटजिक अलायंस नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिलकर जो है आ, कोई ना कोई बिजनेस परफॉर्म करती हैं और जो है एडवांटेज गेन करती हैं ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म्स और बिजनेस यूनिट्स दैट इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक गेन तो यहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से अधिक फर्म आपस में मिलकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगी कुछ ऐसा मार्केट डेवलप करेंगे जिससे दो, दोनों को इकोनॉमिक गेन वहां पर होता है तो फॉर एग्जाम्पल आई बी एम स्टैब्लिश रिसर्च अलायंस विथ सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टू बिल्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चिप्स तो कंप्यूटर चिप्स नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए आई बी एम जो कि अलग कंपनी है सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है तोशिबा अलग है तीनों ने मिलकर जो है नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स डेवलप करने के लिए आपस में रिसर्च अलायंस किया तो ये क्या है ये स्ट्रेटजिक अलायंस यानी कि तीनों ने मिलकर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स बनाने की कोशिश की जिससे कि तीनों को ही इकोनॉमिक गेन होता फायदा होता क्लियर तो स्ट्रेजिक अलायंस के बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे टू ऑपटेन और लर्न न्यू कैपेबिलिटीज अब आपको जो है कोई नई कैपेबिलिटी लर्न करनी है फिर ऑपरेन करनी है या कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है किसी दूसरी कंपनी के पास है तो आप उसके साथ अलायंस कर लीजिए तो वो आपको जो है नया मेथड है या फिर नई टेक्नोलॉजी वो सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दे देता है फॉर एग्जाम्पल जनरल मोटर एंड क्रिस्टल फॉर्मड एन अलायंस इन टू थाउजेंड फोर टू डेवलप न्यू फ्यूल सेविंग हाइब्रिड इंजन फॉर देयर ऑटोमोबाइल्स तो अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए फ्यूल सेविंग हाइब्रिड इंजन बनाना था तो उसके लिए इन्होंने क्या किया आपस में क्या किया अलायंस कर लिया तब अलायंस करने से क्या हो गया कि जो जनरल मोटर की टेक्नोलॉजी है उसको क्रिस्टलर जो है यूज कर सकता था क्रिस्लर जो है वो जनरल मोटर की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता था तो ऑप्टेन और लर्न न्यू कैपेबिलिटीज़ नेक्स्ट है टू ऑप्टेन एक्सेस टू स्पेसिफिक मार्केट यानी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट को एक्सेस करना है वहां पर जाना है उस मार्केट पर एंटर करना है तो आप स्ट्रेटिक अलायंस कर लीजिए एक कंपनी के साथ अब इंडिया की कोई कंपनी यूएसए की कंपनी से अलायंस कर लेती तो इंडिया की कंपनी आसानी से यूएसए के मार्केट में इंटर कर सकती है टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी स्ट्रेटेजिक अलायंस किया जाता है जैसे कि द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू लार्ज जेट एयरप्लेन्स वेयर बिकमिंग टू हाई फॉर एनी वन मैन्युफैक्चरर यानी कि जो जेट uh, प्लेन्स बनाते थे लार्जर जेट प्लेन्स बनाते थे उसको बनाने के लिए जो है uh, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जा रही थी किसी एक सिंगल मैनुफैक्चर के लिए तो फ्रांस की ब्रिटिश की स्पेन की और जर्मनी की जो एरोप्लेन लार्जर जेट प्लेन्स बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया ज्वाइंट कंसोर्टियम एयरबेस इंडस्ट्री के नाम से जो है बनाया और उन्होंने जो है इस तरीके के प्लेन्स को बनाना स्टार्ट किया डिज़ाइन करना स्टार्ट किया तो जिससे कि फाइनेंशियल रिस्क यानी कि एक पे सारा वजन एक पे जो है सारा खर्चा ना आए डिस्ट्रीब्यूट हो अगर कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी क्या किया कि लार्जर जेट प्लेन बनाने के लिए सबने एक जॉइंट कंसोर्टियम बना लिया इसी तरीके से पॉलिटिकल रिस्क पॉलिटिकल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी जो है आप अलायंस करते हैं यानी कि आप जो है बाहर की कंपनी है आप जो है किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं वहां की लोकल कंपनी से आप जो है अलायंस कर लीजिए तो उससे क्या होगा कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उसका जो रिस्क होगा वो आपके ऊपर कम रहेगा तो पॉलिटिकल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी स्ट्रेटिक अलायंस किया जाता है तो स्ट्रेटिक अलायंस में अलग अलग फॉर्म्स है जैसे कि ज्वाइंट वेंचर हो गया लाइसेंसिंग हो गया या फिर वैल्यू चेन पार्टनरशिप हो गया तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है वेंचर में एक कॉपरेटिव बिजनेस एक्टिविटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रेटिकल और डेल ने मिलकर एक ज्वाइंट बी नाम से और बी जो है वो, वो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डेवलप करेगी तो एससीएल अपना काम करेगी डेल अपना काम करेगी और साथ ही साथ जो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया वो अपना काम करेगी तो यह ज्वाइंट वेंचर कहलाता है क्लियर तो क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी एंड एलोकेट्स ऑनरशिप ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्स टू ईच मेंबर वाइल्ड प्रिजर्विंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी ऑटोनोमी यानी कि एस अपना काम करेगी जैसा करती थी डेल अपना काम करेगा जैसा करता था और उन्होंने जो ज्वाइंट वेंचर बनाया है बी नाम से या फिर सी नाम से वो जो है वो अपना काम करेगी क्लियर फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्टर एंड गैम्बल फॉर्म्ड ए ज्वाइंट वेंचर विथ कॉलोरैक्स टू प्रोड्यूस फूड स्टोरेज रैप्स PNG brought its cling film technology and 20 full-time employees to the venture while Colorux contributed its bags, containers and wraps business. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है और जो कोलोरैक्स है इन्होंने जो फूड स्टोरेज रैप बनाने के लिए जॉइंट वेंचर बनाया तो पीएनजी ने क्या किया अपनी एक क्लिंग्स फिल्म टेक्नोलॉजी थी और 20 फुल इंप्लाई जो है उस जॉइंट वेंचर को दिए वहीं पे जो कोलोरैक्स ने उसने अपने यहाँ से बैग कंटेनर और रैप बिजनेस दिया वहाँ पर तो दोनों ने अपना अपना जो है रिसोर्सेज का यूज़ करके फूड स्टोरेज रैप जो है वहाँ पर प्रोड्यूस किया तो जॉइंट वेंचर इसी तरीके से नेक्स्ट है लाइसेंसिंग अरेंजमेंट लाइसेंसिंग अरेंजमेंट आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई कंपनी है वो अपना टेक्नोलॉजी अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए दूसरे लोगों को लाइसेंस देती है जिससे कि आप उनका प्रोडक्ट या फिर अपना उनकी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं तो एन अरेंजमेंट इन इन द लाइसेंसिंग फर्म फर्म ग्रांट्स राइट्स टू अनदर अनदर कंट्री और मार्केट टू प्रोड्यूस एंड और सेल अ प्रोडक्ट अब जैसे सी है तो के बाहर की कंपनी है लेकिन यहां पर वो लाइसेंस लेके अलग अलग लोग जो है के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर पाते हैं आसानी से तो ये लाइसेंसिंग होता है द लाइसेंसी पे कॉम्पनसेशन टू द लाइसेंसिंग फॉर्म रिटर्न फॉर टेक्निकल लाइसेंसी किसी से लाइसेंस लेता है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए तो उसके बदले वो जो है क्या करता है कंपनसेशन देता है कोई भी फी जो है उसको पे करना पड़ता है एंड ए एंड डब्ल्यू रेस्टोरेंट थ्रू आउट दी वर्ल्ड तो यम जो ब्रांड है यह के एफ सी पिज्जा हट टेकोबेल लॉन्ग जॉन Silver और एन वीड एंड डब्ल्यू रेस्टोरेंट को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या किया लाइसेंसिंग का यूज़ किया लाइसेंस दे देकर हर जगह इन्होंने अपना जो है अपना रेस्टोरेंट जो है ओपन कर लिया है वहीं पर जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ वैल्यू चैन पार्टनरशिप वैल्यू चैन पार्टनरशिप में सिंपल सा है वैल्यू चैन अगर आपको पता है तो आसानी से समझ जाएंगे वैल्यू चैन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं सप्लायर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में इन्वॉल्व होते हैं तो जब आप उनके साथ जो है मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हो तो वही चीज वैल्यू चैन पार्टनरशिप कहलाती है ए स्ट्रॉग एंड क्लोज अलायंस इन विच वन कंपनी और यूनिट फॉर्म से लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट विथ अ की सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज तो जब आप किसी भी की सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है अरेंजमेंट कर लेते हो लॉन्ग टर्म अलायंस कर लेते हो और स्टॉन्ग और क्लोज अलायंस करते हो तो वही चीज वैल्यू चैन पार्टनरशिप कहलाती है क्लियर सपोज कि आपकी चिप्स बनाने की कम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है तो उसके लिए आपने क्या किया कि जो आप जो है मार्केट में जाते हो किसी किसान से या फिर किसी भी सप्लायर uh, से आपने जो पोटैटो सप्लाई करता है उससे आपने लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लिया है कि, कि उसके यहाँ पे जितना भी पोटैटो का प्रोडक्शन होगा वो सबका सब जो है आपको सप्लाई करेगा जिससे कि आप चिप्स जो है मैन्युफैक्चर कर पाए तो वैल्यू चैन पार्टनरशिप यानी कि यहाँ पर जो भी आपके वैल्यू चैन में इन्वॉल्व होते हैं सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आप उनके साथ जो है पार्टनरशिप कर लेते हो अलायंस कर लेते हो तो ये जो है कॉपरेटिव स्ट्रेटजीज होती हैं कोलिजन एंड स्ट्रेटजिक अलायंस जिसमें कि ज्वाइंट वेंचर लाइसेंसिंग और वैल्यू चैन पार्टनरशिप भी आता है विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग